बच्चों हम क्या पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस भविष्य हम we. हम हम पढ़ेंगे लिखेंगे हम आएंगे हम जाएंगे आर लर्निंग आप आप मीन यू यू विल बी यूज इन टू वे वन फॉर रेस्पेक्ट अनदर वन फॉर प्लूरल देखो यू विल गो आप जाएंगे आप मीन्स हियर वी आर यूजिंग इन प्लूरल जा इज द वर्ब विद वी हैव एडेड येंगे जा प्लस येंगे जाएंगे आप जाएंगे यू विल गो हिर वी आर से फॉर प्लूरल आप जाएंगे यू विल गो aap mandir jayenge you will go to the temple aap kab mandir jayenge when will you go to the temple okay bache? so hum what we have used in the same way we are using for aap also aap means you here we are using in plural form aap jayenge you people will go okay bache? the next one up ga yenge. Up You will sing. Ga that is the verb. With the verb what we have added? Yenge. Ga plus enge. Ga yenge. Up ga yenge. You will sing. Here also it is used for plural. Okay. Up. गाएंगे यू विल सिंग आप क्या गाएंगे वॉट विल यू सिंग ओके सो गाएंगे हम गाएंगे वी विल सिंग आप गाएंगे यू विल सिंग ओके बच्चे आप गाएंगे यू विल सिंग आप गाना गाएंगे गाना सॉन्ग आप गाना गाएंगे

टमा टमाटर टमाटो सो खरीद विद द वर्ब वी हैव एडेड एंगे दट इज खरीदेंगे आप खरीदेंगे यू विल बई फॉर हम ऑल्सो वी आर यूजिंग द सेम थिंग हम खरीदेंगे वी विल बई हियर आप खरीदेंगे यू विल बई आप तरकारी खरीदेंगे यू बै वेजिटेबल्स ओके बच्चे दे नेक्स्ट वन यू यू कट आप काटेंगे। काटेंगे। आप काटेंगे काथ, काथ आप काटेंगे यू विल कट यू विल कट हम काटेंगे वी विल कट आप काटेंगे यू विल कट आप कपड़ा काटेंगे यू विल कट द ड्रेस के काट इज द वर्ब विद वी हैव एडेड एंगे काटेंगे so in future tense if a sentence starts with the u that is up the same form as hum hum khatenge aap khatenge king the same thing will be used then chalenge chal plusenge chalenge chalna to walk to move aap chalenge you will walk here of is used for respect. I told you, up will be used in two ways. One is for respect, another one is for plural. Here we, we are using in the sense of respect. Up chalenge, you will walk. Up, kaise chalenge? Up, how will you walk? How will you go? How will you move? Okay, up chalenge, Up, kaise challenge. How will you go? हा विल यू वॉक ओके बच्चे सो so, चल कलेंगे चलेंगे समझे इन शब्दों को इन वाक्यों को सुनो वी आर इन फ्यूचर टेंस फॉर सिंगुलर वी नो बट फॉर प्लूरल एवरीथिंग विल बी द सेम हम चलेंगे हम पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे आप लिखेंगे समझे बच्चे हरिओम